क्लास आज हम जीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासें संचालित की जा रही हैं। जीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम के बारे में हम बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती क्या हैं, किसी भी देश और उसके दो देशों के बीच में, जब दो देशों के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्राकृतिक सीमा रेखा कहलाती है, दूसरी कृत्रिम रेखाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक सीमा रेखाओं का निर्धारण करने के लिए नदियां, पर्वत, सागर या अन्य भौतिक पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, अन्य भौतिक वस्तुओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जबकि कृत्रिम सीमाएं रेखाएं वही होती हैं जो मानव द्वारा निर्धारित की जाती है। मानव द्वारा इन सीमा रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। आज हम देखेंगे कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों के मध्य कौन कौन सी सीमा रेखाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम सीमा रेखा के बारे में ज्ञात करते हैं। भारत और पाकिस्तान, ये हमारा भारत है और ये पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा पाई जाती है। ये वाली सीमा रेखा पाई जाती है भारत और पाकिस्तान के मध्य, रेड क्लिफ रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 15 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 15 अक्टूबर सन 1947 को किया गया था सर सीपी रेडक्लिफ के माध्यम से। इसलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के मध्य में एक सीमा रेखा पाई जाती है, जिसका ये सीमा रेखा मात्र एक राज्य जम्मू कश्मीर को स्पर्श करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया सर डूरंड के माध्यम से। इसलिए इस सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा पड़ा। इसी प्रकार भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा पाई जाती है जो 5 राज्यों को स्पर्श करती हुई है। उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा कही जाती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया, 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। इसी प्रकार भारत और अन्य देशों के साथ, चाहे भारत नेपाल हो, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश, इसी के साथ अन्य देशों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखाएं पाई जाती हैं। तो भारत के ऐसे सात देश हैं जो अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। जैसे नंबर एक बांग्लादेश, ये हमारा बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच में सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है, सर्वाधिक। ये 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, जो भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा टच करता है। इसके साथ भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है 3488 किलोमीटर, ये भी भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर 4 राज्यों के साथ रेड क्लिफ सीमा रेखा बनाता है। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा पाई जाती है।
नेपाल भी 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर, ये म्यांमार है, ये 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। ये म्यांमार भी भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं। इसी के साथ भूटान 699 किलोमीटर राज्य की सीमा, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर, सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, सबसे कम सीमा बनाने वाला देश, सबसे कम सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। मात्र एक राज्य भारत की सीमा को टच करता है। विशेष पॉइंट, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य एक रेखा पाई जाती है, जिसको हम शून्य रेखा के नाम से पुकारते हैं।